वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज सुबह से कुछ ज़्यादा काम ही नहीं किया, कुछ मेहमान आ गए थे तो काफ़ी समय उनके साथ बीत गया। और उसके बाद में आज है संडे तो कुछ जो पेंडिंग काम थे वो किए, बाकी और कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका वीडियो बनाया जाए। और अभी जो है चिया तैयार हुई है, कह रही थी वीडियो शूट करना है तो उसने एक अपना नया चैनल बनाया है तो उसके लिए कुछ वीडियो शूट करने आई है। और ये टोटली उसका शौक है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई वीडियो उसका चैनल बनाने का वो था, लेकिन उसका खुद का शौक है कि उसे वीडियो बनाना है। और डांस उसे बहुत अच्छे से आता नहीं है, बट फिर भी उसने काफ़ी वीडियो देखने के बाद में तैयारी की है और प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करने के बाद तैयार होके उसने अपने से ही चूज़ किया है कि कौन सा कपड़ा वो पहनेगी अपने वार्डरोब में से, और उसे चूज़ करने के बाद में वो कपड़े पहने हुए हैं। और चलते हैं दिखाते हैं उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं और किस तरह से वो प्रैक्टिस वगैरह कर रही है। तो ये जो है इसने कपड़े पहने हुए हैं और खुद ही चूज़ किया है कि ये पहनेगी। और कौन से गाने पे करने वाली हो? कुछ प्रैक्टिस की तुमने? हाँ प्रैक्टिस की है, तुम्हें लगता है तुम कर लोगी? हाँ चलो ठीक है, और इधर आ जाओ, उधर लोहा है ना। हाँ तो गाना बजाएंगे तो करना, ठीक। आज मैंने घर पे ये अपना बैग चेंज किया, अभी तक मैं दूसरा बैग लेके जा रही थी तो आज मैंने चेंज किया इसको और इसमें सभी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। तो ये मेरा एसेंशियल पाउच है, ये है जिसमें सारी चार्जर्स और लीड्स वगैरह हैं, ये मेकअप पाउच है और ये इसमें जो मेरे और इसमें वेट वाइप्स, टिश्यूज़ और फेस टॉवल, इस तरह की चीज़ें इसमें हैं रखी। और ये मेरा प्लानर है, ये मेरे टेस्टेड ग्लासेस हैं ये दोनों, और ये एसेंशियल पाउच है, ये तो बताइए। अब इसमें एक पेंसिल केस की कमी है तो पेंसिल केस मैं इसमें जो स्कूल लेके जाती हूँ वो मैं ये तीन पेंसिल केसेस लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे इसमें एक एडजस्ट करना है तो मुझे एक मिनिमलिस्ट पेंसिल केस बनाना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ फैंसी चीज़ें हैं, इसमें कलर पेन्स और मेरे प्लानर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैं एक चाहती हूँ कि इसमें रखने के लिए एक मिनिमलिस्ट बैग रहे पेंसिल केस, जो कि इसमें मेरे पाउच मेरे हैंड बैग में चला जाए। तो उसमें किस तरह की चीज़ें हैं ये मुझे डिसाइड करना है, तो चलते हैं उसको अरेंज करते हैं। तो इसको कहीं एडजस्ट करना है तो मुझे लग रहा है इसको एडजस्ट करने के लिए कहाँ पे जगह बनेगी। एक मिनट, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये मुझे निकाल लेना चाहिए, अपना चश्मे वाला केस निकाल के और मुझे यहाँ पे पेंसिल केस अपना रखना चाहिए। अब ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे पेंसिल केस जो है जो ग्लासेस के कवर हैं ये मुझे ऐसे ही रख लेने चाहिए, मेडिसिन वाला भी ऐसे ही, तो ये हो जाएगा। और जो मेरे फैंसी पेन हैं इनके लिए तो जगह यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो आराम से बन जाएगी, क्योंकि
क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये यहाँ पे इनके लिए जगह बन जाएगी। तो इस तरीके से मेरा ये बैग पूरा अरेंज हो गया है। तो ये यहाँ पे जो इसका क्लोज़र है, ये क्लोज़ नहीं होगा, बट इट्स ओके, क्लोज़ नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो आज संडे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लड्डू गोपाल का जो सामान लाए थे नया, तो उसको भी अरेंज कर लिया जाए। तो ये लड्डू गोपाल का ही बॉक्स है जिसमें उनकी ज्वेलरीज वगैरह और उनका बाकी सामान रहता है। तो ये उनकी नई ज्वेलरी और नई बंसी वगैरह है, तो ये इसमें रखी हुई हैं। ये पुरानी उनकी ज्वेलरी है और इसमें भी कुछ ज्वेलरीज हैं, और ये उनका वैक्स है जिससे ज्वेलरी चिपकाई जाती है। ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल का बेड है जो कि अब गांव में चले गए हैं, गांव में रहते हैं, तो ये उनका बेड यहाँ पे रह गया अभी। और ये उनकी कुछ पगड़ियाँ हैं मेरे अभी वाले लड्डू गोपाल की जो इसमें रखी हैं, ये पुरानी हैं पगड़ियाँ, तो इनको सोचा कि अरेंज कर दूं। तो ये इसमें रखी हैं, जो नई लाए हैं उनको भी अरेंज करना है। तो ये रेड पगड़ी, ये मैंने अभी एक भी बार नहीं पहनाई है उन्हें, तो तब मेरे पास रेड ड्रेस नहीं थी इसलिए ये ऐसे ही रखी हुई है। तो ये भी एक पगड़ी है तो जो पहन चुके हैं वो, तो ये सारी चीज़ें इसी में मैं रखने आई हूँ। और अभी जो नई है वो भी इसमें मुझे अरेंज करना है, तो वो भी चल रही हूँ इसमें अरेंज कर दे रही हूँ। तो इस तरह से इन सभी को अरेंज करने के बाद में एक जगह रहती है, तो जब लड्डू गोपाल को रेडी करूँ ना तो आसानी रहती है, और नहीं तो फिर जो है इधर उधर सामान बिखरा रहता है तो दिक्कत होती है। तो ये सारी पगड़ी उनकी यहाँ पे रख दी है मैंने, और जितनी उनकी कलगियाँ थी, 4 कलगीज थी उनकी, तो वो भी मैं इसी में रख दे रही हूँ। तो एक उन्होंने लगा रखी है, तो ये है, एक और होगी, एक मिनट, हाँ एक ही है, तो ये भी इसमें रख दे रही हूँ। और ये उनकी नैपीज है तो ये भी इसमें रख दे रही हूँ। तो ये काम हो गया। अब ऐसे ही थोड़े थोड़े काम छोटे छोटे रोज कर देती हूँ, यही उनकी सेवा हो जाती है, नहीं तो फिर बस स्कूल टाइम में तो बस तुरंत पूजा करो, तुरंत चल दो। और अब जा रहे हैं अपने प्लानर में पेज लगाने। तो पहले मेरा जो प्लानर है वो A5 साइज़ का है, तो A5 साइज़ में पहले A4 पेपर्स की कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद में तब इन पेपर्स को उसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये थोड़े से बड़े पड़ते हैं A4 में भी, तो इधर से ट्रिम करके और तब इसको हाफ़ करेंगे, तो ये A5 साइज़ के मेरे प्लानर के साइज़ के हो जाएंगे। और उसके बाद में इनको मैं प्लानर में अपने लगा लूँगी। जो उसके साथ इंसर्ट्स आते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती, वो लाइंड रूल्ड पेज होते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं वाइट, इस तरह के वाइट पेपर्स ही यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी दिनों के लिए एक साथ ही कट कर लेती हूँ, लगभग एक महीने के लिए, तो फिर बार बार मशीन ये निकालनी नहीं पड़ती है ट्रिम करने वाली। और तो ये भी एक काम था, क्योंकि सितंबर स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास पेजेस प्लानर में थे इसलिए उस टाइम नहीं लगाना पड़ा, लेकिन अभी ख़त्म हो गए तो अभी लगाना है, तो इसको लगा के ये भी काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आज जो छुट्टी का दिन है वो थोड़ा सा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि इतना सारा टाइम जो है उस टाइम नहीं मिलता है बाकी वर्किंग डेज में। और अब जा रहे हैं इससे पंच करने। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।